में दर्द क्यों है? अरे नहीं, तुम चिल्ला क्यों रही हो? आज स्कूल में पार्टी है और मुझे पिंपल हो गया है। क्या ये है वो? दर्द हो रहा है, अपना हाथ हटाओ। अब तुम यूनिकॉर्न की तरह दिखती हो। एकदम कॉपी, और तुम्हारे पास एक सींग भी है। बहुत शुक्रिया माँ, हमेशा मेरा मजाक बनाती हो। अब मैं अजीब दिखने लगी हूँ। वो क्या है? ये क्या अजीब चीज है? हम लोग मिलके अच्छी पार्टी करेंगे। हाँ हाँ, ये अमेजिंग है। मुझे नहीं लगता ये कुछ खास है। ये बहुत अमेजिंग है। मैं सो नहीं सकी, मैं एक हफ्ते से इस पार्टी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने सभी ऑनिस को इनवाइट किया है और वो जल्दी आ जाएंगे। क्या कोई उसे शांत करा सकता है? मैं उसे शांत कर दूंगी। रुको एरियल। एरियल, शांत हो जाओ तुम। पुलिस को इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। ओ, रो मत। सेब खाओगी तुम? टेस्टी है, ये लो। अब वो क्या है? हमारे पोनी वर्ल्ड में ये ब्लैक होल? ऐसा लगता है जैसे कोई पोर्टल हो। आखिर पोर्टल क्या है? ये तुम्हें दूसरी जगह ले जा सकता है। इंटरेस्टिंग। अरे नहीं, ग्वेन इसमें फंस गई है। अरे नहीं, अब क्या करेंगे? हमें कुछ करना होगा, हम ग्वेन के बिना आगे नहीं जा सकते। तुम किसका इंतजार कर रही हो? आओ पोर्टल में डुबकी लगाएं। मैं नहीं, मुझे लगता है मैं यहीं पे रुकती हूँ, तुम लोग जाओ वहाँ पर। ठीक है, इंतजार करो। तुम लोग कौन हो? मुझे घर जाना है, मदद करो। वो पागलपन वाला पोर्टल कहाँ है? कहाँ है? हम लोग कहाँ पर है? यहाँ हो क्या रहा है? तुम कौन हो और तुम्हारे पास मेरा खिलौना क्यों है? ये खिलौना तो हमारे पोनी वर्ल्ड में उड़ता हुआ आया था। और क्या, तुम भी एक पोनी हो? नहीं, तुमने ऐसा क्यों सोचा? हे भगवान! क्या वो हम में से एक है? क्या? ठीक है लड़कियों, टाइम है अपना इंट्रोडक्शन देने का। मैं पिंकी केसी हूँ, सबसे सुंदर पोनी। एप्पल किटी, सबसे मेहनती पोनी। मैं स्पार्कल ग्विन हूँ, सबसे स्मार्ट पोनी। ये। और मैं रेनबो अरियल हूँ। बेहतर होगा कि तुम मुझे ना छुओ, नहीं तो एक मुक्का मिलेगा। ठीक है, मैं टीना। वो गिर गई, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हमें उसकी मदद करनी होगी। ऐसा लगता है कि हम यहाँ लंबे समय तक रह सकते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या मैं सचमुच पोनी बन गई हूँ? बहुत अजीब है। ये अच्छा है कि अब हमारे पास एक नया दोस्त है। लेकिन हम घर कैसे पहुँचेंगे? तो चलो हमें बताओ हम क्या करें, तुम होशियार हो। वैसे इस मामले में मुझे भी नहीं पता। मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ, वो नहीं समझ पाएंगी कि तुम सब कहाँ से आए हो। क्या करें हम? थोड़ी देर बाहर घूमो, मैं बाद में तुम्हारे पास आ जाऊंगी, मुझे अभी अपने बॉयफ्रेंड से मिलना है। हाँ मेरी डार्लिंग, हम कब मिलेंगे बताओ तो। मामा देखो तो। मैं तुम्हें कॉल करती हूँ अभी। माँ जरा देखो तो, अब मैं एक असली पोनी हूँ। तुम पागल हो, पोनी नहीं। माँ क्या हुआ? क्या पोनी, तुम पागल हो? शायद मुझे तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहिए। आपको पता है ना, मैं मजाक कर रही थी, मैं कोई पोनी नहीं हूँ। ये तो पिंपल से ध्यान हटाने के लिए एक तरीका था। अजीब लड़की है। हेलो, मैं आ गई। तो डार्लिंग मैं ये कह रही थी कि ये टीना कहाँ है, उसे फिर से देर हो गई। मुझे उम्मीद है कि टायलर खुश होगा कि मैं अब एक पोनी हूँ। हाँ, टीना आखिरकार तुम यहाँ आ गई। हाय डियर। तुम इतनी अजीब क्यों दिख रही हो?
मैंने अपना स्टाइल बदलने का फैसला किया है। अरे लेकिन पोनी क्यों? वो गूंगे और डरावने जानवर होते हैं। क्या? ओहो तुम। ये लो तुम्हारे लिए, तुम्हें ऐसे फूल पसंद है ना? यम, वो बहुत टेस्टी है। अरे तुम क्या कर रही हो? क्या फूल सच में इतने टेस्टी होते हैं जो तुम उन्हें खा रही हो? माफ करना, मैं मजाक कर रही थी। टीना तुम्हें क्या हो गया? मुझे तुमसे डर लग रहा है। कितने टेस्टी फ्रूट्स हैं। टीना हिलना मत, तुम्हारे सर पर दो चूहे हैं। हे, क्या हो गया? वो प्यारे चूहे हैं, वो मेरे दोस्त हैं। क्या दोस्त है तुम्हारा? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कितने प्यारे हैं, किस करने का मन करता है। अच्छी, मुझे चूहों और पोनी से नफरत है। सच में मैं और मेरे चूहे जा रहे हैं। टीना को क्या हो गया है? वो काफी अजीब लग रही है। हेलो डियर। मैं तुम्हें अपनी बेटी से कब मिलवाऊंगी? वाओ, कितनी सुंदर जगह है। अरे वाओ, कितने सारे कपड़े हैं। यहाँ तो कुछ भी खोदने के लिए नहीं है। और मैं सोच रही थी कि वो बदबू क्या थी। अमेजिंग, अमेजिंग। इन ड्रेसेस को देखो, मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए। ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी। मुझे ये भी चाहिए, सब चाहिए। अरे एक और एपिसोड है। क्या हो रहा है? कौन हो तुम सब? कुछ बोलो। दुकान में पागल घोड़े घुस गए। यहाँ से बाहर चलो, वो हमें मारने आ रही है। भागो! अभी सबक सिखाती हूँ। हमें इस लेडी को शांत करना होगा। वहाँ एग्जिट है, हमें यहाँ से निकलना होगा। आखिरकार तुमने कुछ समझदारी भरी बात की। हाँ हाँ, मैं कर सकती हूँ। वही रुक जाओ। भयानक, घोड़ों ने मेरी दुकान पर हमला कर दिया था। मुझे घर जाना है, पोनी सिटी के लिए। हम वहाँ कैसे जाएंगे? तुम हमें बताओ ना। यहाँ हर कोई बहुत मतलबी है, और हमारी टीना कहाँ है? क्या बात है पोनीस, ये ठीक वैसी है जैसे मुझे चाहिए। शायद हमें टीना के घर लौटना चाहिए। बिल्कुल, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। ऐसा लगता है कि मेरे घोड़े वाली नाल घिस गई है। तो फिर हम जा रहे हैं, तुम हमें वहाँ मिलना। क्या हो रहा है? पकड़ लिया तेरे को। केसी, क्या तुम अभी भी अपने घोड़े की नाल के साथ आ रही हो? केसी, ओ, वो कहाँ है? समझ नहीं आता, वो तो हमारे पीछे ही थी। वो जा चुकी है, जा चुकी है। सच में, आखिर तुम लोग मेरे दोस्त क्यों हो? एरियल, क्या कर रही हो तुम? इससे चोट लगती है। मैं तुम्हें कैसे शांत करती? चलो जल्दी से टीना को ढूंढो। आप कौन हो? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। डर मत, मुझे लगता है तू पार्टी एंजॉय करेगी बे। समझ गई ना मेरी बात? तो हम पार्टी में जा रहे हैं, ये अच्छा है। बेवकूफ कहेगी, मैं उसे सबक सिखाऊंगा अच्छे से। हम केसी को कैसे खो सकते हैं? सच में, हम लोग कैसे दोस्त हैं? अगर वो खुद ही भाग गई हो तो? हो सकता है तुमने उसे परेशान कर दिया हो। तुम कितनी कठोर और भयानक हो एरियल। क्या कहा तुमने? अभी तुम मुझसे थप्पड़ खाने वाली हो। ओह लड़कियों, तुम लोग इतनी उदास क्यों हो? टीना, एक प्रॉब्लम हो गई है, केसी गायब हो गई है। ऐसे कैसे हो गया? ऐसे ही
हम चल रहे थे, मुड़ के देखा तो वो कहीं नहीं थी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन क्या? हमारे शहर में एक पागल काउबॉय है, वो घोड़े चुराता है और उन्हें किराए पर देता है। केसी को कहीं उसने पकड़ा तो नहीं होगा? हमें जल्द ही केसी को ढूंढना होगा। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं तुम में से एक हूँ, तुम्हें पक्का मेरी हेल्प चाहिए। चलो उठो। मैं एक पोनी हूँ, मैं एक पोनी हूँ, मैं एक मैजिकल पोनी हूँ। रुको जरा। क्यों? हम तो बस खेल रहे हैं। मैं ही क्यों पूंछ बनूं? तुम क्यों पूंछ नहीं बनती? आज फ्रेंडशिप डे है और तुम बहस कर रही हो। चल भी। ये पार्टी है। हाँ। देखो जरा, ये पोनी है क्या? हेलो बच्चों, ये एक पोनी है, एक पोनी। अबे देखो बे, तुम लोगों के मम्मी पापा ने घोड़ा लाने के लिए पैसे दिए थे मुझे, वो पूरी तरह से तुम लोग का है, समझ गए ना? मैं पिंकी केसी हूँ, सबसे सुंदर पोनी। अमेजिंग। आओ हमारे साथ नाचो। आओ नाचे। तुम बहुत अच्छी हो, बिल्कुल असली पोनी की तरह। क्या? पोनी? वो बच्चों के लिए शरीफ एंटरटेनर है। ध्यान से छोटे बच्चे। तुम झूठी हो। हे, मैं नकली नहीं हूँ, मैं एक पोनी हूँ। नाराज मत हो, चलो खेलते हैं। मैं भी खेलूंगी, तुम लोग मजेदार हो। चलो चले, हमें ले चलो बेवकूफ पोनी। धीमे हो तुम पोनी। ये मेरे लिए मुश्किल है, उतरो मेरे ऊपर से अब। उतरो प्लीज। पोनी तो मेरे को बहुत सारा पैसा दिला सकती है, शरारती बच्चों के मम्मी पापा ऐसा जुबे को पार्टी लाने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे देंगे ऐसा लग रहा है। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि कैसे कहाँ है। मैं यहाँ अकेली हूँ और डरी हुई हूँ, मेरी लड़कियाँ कहाँ है? ये रहा तेरा खाना, एक हफ्ते तक यही खाइयो। मैं बस एक हफ्ते के लिए यहाँ हूँ और फिर तुम मुझे जाने दोगे? बिल्कुल भी नहीं, हम दूसरे शहर जा रहे हैं और मैं तुझे और ज्यादा काम करवाऊंगा, समझ गई ना? नहीं, मैं नहीं चाहती। किसी ने तेरे से पूछा नहीं है? ऐसा लगता है मेरे दोस्त मुझे भूल गए हैं, वो वहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं और मुझे परेशानी हो रही है। पिंकी कैसी, हमने तुम्हें ढूंढ लिया। और क्यों, मुझे एक पागल काउबॉय ने किडनैप कर लिया। ओह माय गॉड, ये सच में वही है। मैं सही थी, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो इस जगह से भागो, यहाँ से। पोनी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम लोगों को जाने थोड़ी दूंगा। वो बहुत डरावना है। कैसा सा है? चलो उठाओ इसे। मैं तुम लोगों को हरा दूंगा। चलो यहाँ से चलते हैं। अरे नहीं, ऐसा लगता है हमारे सेब खत्म हो गए हैं। अब रुको, बताता हूँ। शांत हो जाओ लड़कियों, मैं इस बेवकूफ को अभी मजा चखाती हूँ। अब जल्दी से तेज दौड़ो, चलो। लड़कियों, मुझे लगता है कि इस समय मेरा घर सबसे सेफ है। तुम शायद सही हो। मैंने नहीं सोचा था कि पोनी का जीवन इतना दिलचस्प होगा, इतने सारे एडवेंचर। हम खुद हैरान हैं। हमारी दुनिया में सब कुछ ब्यूटीफुल था, लेकिन अब हम सिर्फ सफर कर रहे हैं। लेकिन हमें हमारा नया दोस्त मिल गया। टीना, तुम में क्या एबिलिटी है? किटी में जमीन को खोदने की क्षमता है। मैं सच में जरूरी चीजें करती हूँ। शायद मुझ में कोई एबिलिटी नहीं है। ओह प्यारे दोस्तों, तुम लोग कैसे हो? टीना, मुझे भी उठाओ ना। जरूर। ये तुम्हारी योग्यता है, सभी जानवर तुम्हें इतना प्यार करते हैं। वाह, कितना मस्त है, ये छोटा ड्रैगन और चूहे मेरे नए पेट एनिमल्स होंगे। टीना, तुम कहाँ थी? तुम पूरा दिन घर पर नहीं थी। माँ आ रही है, छिप जाओ, जल्दी करो। चलो चलो जल्दी, छोटे से बच्चों को भी ले जाओ। टीना, मुझे सुन सकती हो या नहीं? हाँ हाँ माँ। जल्दी जाओ और बर्तन धो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम कुछ काम नहीं करती। माँ, आप इतनी गुस्सा क्यों हैं? क्योंकि मैं बस सोना चाहती हूँ।
उसे सोने दो, वैसे भी वो पागल लगती है। ठीक है, शायद यही सही है। मेरी प्यारी छोटी चीजें। मुझे ताजी हवा की सख्त जरूरत है। इतनी जरूरत? हाँ, मेरे स्मार्ट दिमाग को हवा लगने की जरूरत है। तो बाहर जाओ और फूलों की खुशबू लो। जरूर। टीना, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? वाह, क्या माल है यार। हाय, तुम्हारा नाम क्या है? मैं टायलर हूँ, और तुम? हैया एप्पल किटी। क्या तुमने टीना को कॉल किया? नहीं, तुमने ये सब इमेजिन किया होगा। सेब लोगे? ये लो। जरूर। क्या हम वॉक पे चलें? जरूर, मैं तैयार हूँ। खूबसूरत, मुझे फूल पसंद है। क्या सोचा था कि तुम मुझसे छिप जाओगी? ये नहीं होगा। अब ये क्या है? अब तेरे को कोई ढूंढेगा नहीं, समझी ना? किटी, तुम कहाँ हो? मदद करो, जल्दी करो। अब तेरी कोई नहीं सुनेगा, तुम मेरे खेत पे काम करेगी, समझी ना? गुलाम मेरी। चलो यहाँ चलते हैं, जब तक मास होती है हम मेरे कमरे में रहेंगे। खैर, मैं इन सब से तंग आ गई हूँ, मुझे घर जाना है। हम वहाँ कैसे जाएंगे? रुको जरा, मुझे अभी एहसास हुआ। थूक चुकी हूँ पहले ही। सुबह जब मैंने टॉय फेंका तो उसके बाद एक पोर्टल खोला और मैं एक पोनी में बदल गई। बिल्कुल, ये वही यूनिकॉर्न है जिसे मैंने पकड़ा था। चलो इसे अलमारी पर फेंक दो। ठीक है। ये काम कर गया, ये काम कर गया। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। क्या तुम हमारे साथ नहीं आना चाहती? बिल्कुल, मैं भी आना चाहती हूँ, मैं भी आऊंगी। गुइन और किटी कहाँ है? उन्हें यहीं रहने दो, वो हमारे पोर्टल की रक्षा करेंगे, हम बाद में आएंगे। ठीक है, चलो पोनी लैंड चले। अपने खुरों को तेजी से हिला बे। मुझे जाने दो, तुम पोनीज के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। और नहीं तो क्या? हम नाजुक जानवर हैं। चुपचाप घास के पास खड़ी रहे, मैं एक ऐड के लिए तेरी फोटो लूंगा, समझ गई ना? मैं नहीं चाहती। रोना बंद कर, चल काम पे लग। ये अपमानजनक है। हो सकता है कि कुछ फोटो सही आई है। मुझे लगता है मुझे पता है क्या करना है। क्या चाह रही है? चपकिए को खड़ी हो गई है। क्या आप जानते हैं थ्योरीज कितने टाइप की होती है? नहीं, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। तो वो हो सकती है डिस्क्रिप्टिव, मैथमेटिकल, फंडामेंटल एंड अप्लाइड, सब्सटेंटिव, ओपन एंड क्लोज। बढ़िया है ना? ये क्या है? रुक बे, मेरा सर फाड़ देगी क्या? खोपड़ा फट गया मेरा। तो अब खोलो इसे। सोचा था कि मैं बेवकूफ हूँ, कुछ नहीं कर सकती। हार गए। वाओ, क्या मस्त जगह है। ये मेरा कमरा है। वाओ, तुम्हारे पास खुद का कमरा भी है? हाँ, क्या तुम्हारे पास नहीं है? मैं और मेरे दोस्त जादुई घास के मैदान में एक ग्रुप में रहते हैं। मुझे अजीब लड़कियाँ पसंद नहीं है। मैं तो मजाक कर रही हूँ, ऑफ कोर्स मेरे पास भी कमरा है। क्या हम पिज्जा ऑर्डर करें? मुझे लगता है हम कुछ टेस्टी चीजें अरेंज कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करो। ओके। रेडी, खोलो। वाह, ये क्या है? ये है सबसे टेस्टी एप्पल कैरमेल। तुम इसे यहाँ ले आई और मुझे पता भी नहीं चला? कुछ गड़बड़ है क्या? ये गांव का खाना है, इसे कौन खाता है? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने इतनी कोशिश करी और तुम तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है।
मैं तुम्हें दिखाती हूँ गांव का खाना। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम इतना गुस्सा हो जाओगी। ओह, अब अच्छा लगा। चलो छोड़ो ये सब कुछ, मैं अपने दोस्तों के पास जाती हूँ और उनसे हालचाल पूछ लेती हूँ। अरे यार, मुझे लगता है मैंने उसे परेशान कर दिया। आखिरकार हम घर पहुँच गए। अरे, यहाँ हर चीज में जादू की खुशबू महकती है। हाँ, आमतौर पर इसकी गंध ऐसी ही होती है। बातें मत बनाओ। तो क्या ये बात सच है कि तुम रेनबो और बटरफ्लाई का पूप खाते हो? नहीं। हम तितलियों का फाद करते हैं। माफ करो, ये एक एक्सीडेंट था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा सौंदर्य है। मैं सभी जानवरों और छोटे कीड़ों को यहाँ इनवाइट करूँगी। हम एक साथ गाएंगे और नाचेंगे। वाह वाह टीना, तुम टैलेंटेड हो। क्या मैं अकेली हूँ जिसे लगा कि एल्फ की तरह चिल्ला रही है? तुम बहुत मतलबी हो। लड़कियों, मुझे लगता है कि अब वापस जाने का समय आ गया है। मैंने अपनी माँ को भी नहीं बताया है। हाँ, जरूर जरूर। अब हम जानते हैं कि पोर्टल कैसे काम करता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। अब हम तुम्हारे घर पर हैं। अच्छा है कि तुम पोर्टल को नियंत्रित कर सकती हो। हेलो लड़कियों, कैसी हो तुम? ओह, देखो यहाँ कौन है। तुम कहाँ थी? हम तो टीना को अपना घर दिखा रहे थे। तुम कहाँ थी? ग्वेन तुम्हारे साथ नहीं, मैं तो बाहर थी और वो मेरे साथ नहीं थी। तुमने ग्वेन को खो दिया? किटी! अब तुम मुसीबत में हो। वो कहाँ है? लड़कियों, ये भयानक था। उस दुष्ट काउबॉय ने मुझे किडनैप कर लिया था। तुम कैसे बची? मैं होशियार हूँ तो मैंने अपनी एबिलिटीज को यूज किया। मुझे खुशी है कि हम सब लोग ठीक हैं। हेलो डियर, तुम लोग? माँ, मेरे पोनी दोस्तों से मिलो। मैं हूँ पिंकी केसी, सबसे सुंदर पोनी। ये यहाँ बहुत सुंदर है। हाया एप्पल किटी, सबसे मेहनती पोनी। मैं हूँ स्पार्कल ग्वेन, सबसे स्मार्ट पोनी। ये और मैं रेनबो आरियल हूँ। अच्छा होगा अगर मुझसे मजाक ना करो। इन पागल लड़कियों ने मेरी लड़की का भी ब्रेन वॉश कर दिया है। जाओ यहाँ से। तुम्हारी माँ पागल है। घर से बाहर निकलो पागलो। है, हम टीना को वापस कैसे लाएंगे? चूंकि वो पोनी बन गई है इसलिए उसे हमारे साथ रहना चाहिए। अच्छा तो हम चलते हैं। अब वो साथ में पकड़ी जाएगी और मैं लाखों कमाऊंगा, है कि नहीं? मुझे डर लग रहा है, हम बहुत डरावना है। तुम्हें पता है जब कोई रोता है तो मुझे गुस्सा आता है। मैं बहुत गुस्से में हूँ। हमें टीना को हमारी दुनिया में रहने के लिए मनाने की जरूरत है। मुझे पता नहीं कैसे, मुझे लगता है कि मुझे सेब की स्मेल आ रही है। तुम सही हो। चलो नाश्ता करें, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं भी। इस तरफ अंदर और भी बहुत सारे सेब हैं। समझे पोनीज, अब तुम मेरे खेत में बिना सोए काम करोगी। वे तुम पर गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और इसके अलावा वे पोनी हैं। तो क्या मैं भी एक पोनी हूँ? हमें एक साथ रहना चाहिए। बस अब तुम उनके साथ नहीं घूम सकती हो, मैं इसे मना करती हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकती हैं।
ये इलीगल है। मैं अब एम्बुलेंस बुलाऊंगी और वे तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल ले जाएंगे और ये पक्का लीगल होगा। माँ प्लीज मुझे जाने दो। बहुत हुआ, मैं अब पक्का एम्बुलेंस बुला रही हूँ। माँ तुम बहुत बुरी हो, तुमने मुझे कभी नहीं समझा। हो गया अब मैं एम्बुलेंस को बुला रही हूँ। बिल्कुल नहीं, ये मुझे नहीं रोक सकती। हो मैं खिड़की से बाहर जाऊंगी, माँ को शायद नहीं पता लगे। तुम बहुत घटिया हो, तुम्हें बहुत बुरी सजा मिलेगी। मैं देख रहा हूँ कि तू एकदम जंगली है, तेरे को पिंजरे में बंद कर दूंगा बे। क्या कहा तुमने? अगर ठिकाने आई तेरी, बाहर निकलते ही मैं तुम्हें काट लूंगी। एरियल शांत हो जाओ, इस काउबॉय को गुस्सा नहीं दिलाना है। अबे देख बोल रहा हूँ, तेरी ये दोस्त है ना, वो स्मार्ट है, तेरी तरह नहीं है। उसकी वैन में चढ़ने का चमकता आइडिया किसका था? तुम ही हो जिसने कहा था कि वहाँ सबसे ज्यादा सेब है। हाँ अच्छा, तुमने मेरी बात क्यों सुनी? मैं भागने में कामयाब रही, मैं भागने में कामयाब रही। हे तुम पागल हो क्या? अच्छा ऐसा लग रहा है कि तुम मजा कर रही हो। इविल काउबॉय आओ मेरे साथ नाचो। डांस पूरा हो गया किट्टी? तुम सब बता रहे हो यहाँ से कभी नहीं बचोगे, और अगर तुमने बुरा व्यवहार किया तो तुम्हारे साथ ही मैं ऐसे ही करूँगा। हाय डियर, आखिरकार हम मिल गए। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती। और इधर मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है। सच में? अच्छा तो पहले तुम बताओ। सुनो टीना, मैं कहना चाहता था कि तुम और मैं, हमें अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना होगा और शादी करनी होगी। चुप हो जाओ, मुझे बात तो खत्म करने दो। ठीक है बोलो। हमें अलग होना पड़ेगा। चाइलर क्या तुम सीरियस हो? मैं सीरियस हूँ, मुझे किसी और से प्यार हो गया है, हम अब साथ नहीं रह सकते। क्या तुम पागल हो? वो कौन है मुझे बताओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, हमारे बीच अब सब खत्म हो गया है। तुम बहुत बुरे हो, इतने बुरे समय में तुमने मुझे छोड़ने का फैसला लिया। मुझे कैसे पता, मुझे बस प्यार हो गया और तुम्हें बताने का फैसला किया। टाइलर मुझसे प्यार नहीं करता और वो लड़कियों को ढूंढने में मेरी मदद नहीं करेगा। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, माँ का भी साथ नहीं है। ये बहुत छोटा है, मैं इस पिंजरे में रहकर थक गई हूँ। तुम्हें कम रोने की जरूरत है, तुम्हारा मोना हमेशा मुसीबत में डाल देता है। चुप रहो बेवकूफ, ये काम नहीं करता। समझ नहीं आता मैं क्या करूं? ये सब मेरे कारण है। मुझे लगता है अब मैं सबसे स्मार्ट नहीं हूँ। हेलो दोस्त। कट्टो पीस लग रही है आज तो, होठ पे चुम्मी लूंगा, आ जा। मुझे आने में थोड़ा समय लग गया, मेरी बेटी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी। परेशान क्या हो रही है, जल्दी से तेरा पति बन जाऊंगा, फिर अपने बच्चे का ख्याल रखेंगे। चलो तुम मुझे अपनी जमीन दिखाओ और जायदाद भी। हाँ वो देख, वो झील मेरी है, वो जगह मेरी है, वहाँ पोनीज भी है। तुम्हारे पास पोनीज है? वाह ये उनके बारे में क्या ट्रेंड है। ये देखो यारे, अब जल्दी अमीर बन जाऊंगा और नया घर खरीदूंगा। हे भगवान, ये सब तो पागल घोड़े पाल रखे हैं, और तुमने इन्हें पाला? और नहीं तो क्या, लगभग 15 साल से मेरे साथ है। पंद्रह साल? हाँ चल, वैसे भी कोई खास पोनी नहीं है, चल निकलते यहाँ से। एरिक क्या बात है जाने मन? कोई बात नहीं। लड़कियों मैं तुम्हें बचाऊंगी। मिस अनीता आप अमेजिंग हैं, आपने हमें बचा लिया, चलो जल्दी चलो। बच्चों को सफर करने देना चाहिए, भले ही वो छोटे पोनीज हो। हुर्रे मैं आजाद हो गई। मिस अनीता थैंक यू। चलो इस बेवकूफ के होश में आने से पहले जल्दी घर चलो।
मैं तुम सबको पकड़ लूंगा और सबक सिखाऊंगा। मुझसे बच नहीं पाओगे तुम लोग। छोटा ड्रैगन, हम क्या करने वाले हैं? सब कहाँ है? यहाँ तक कि मेरी माँ भी चली गई है। हम घर पर हैं। टीना, तुम भी आओ। मुझे समझ नहीं आया तुम सब एक साथ कैसे हो। माँ, अच्छा याद है मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें अपने फ्यूचर हस्बैंड से मिलवाऊंगी? हाँ, एविल काउबॉय एरिक ने तुम्हारी माँ पर अपनी हरकतों से उनके दिमाग में जगह बना ली थी। अरे नहीं, क्या वो यहाँ आएगा? नहीं, तुम्हारी माँ ने उससे निपटा। लड़कियों, मुझे बहुत खुशी है कि अब हम एक साथ हैं। मुझे दुख है कि मैं इतनी ईविल थी। मैं ये उम्मीद नहीं कर रही थी कि मेरी बेटी एक पोनी बन जाएगी और उसके इतने सारे दोस्त होंगे। मिस अनीता, तुम तो कमाल की हो। लड़कियों, मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ न्यूज़ है। क्या? क्या? जब तुम सब लोग पोनी दुनिया में थी तब मैं मिली थी एक आदमी से। आप सच में? वो लकी है, मैं बस टूट गई थी। यहाँ है वो। मेरा टाइलर। टीना। hey, जरा रुको, तुम किटी के साथ हो? तुम कैसे मेरी पीठ पीछे? वाह, एक गोबर बीटल और किसी और का बॉयफ्रेंड। लड़कियों, मुझे नहीं पता था, रुको। तुम कहाँ जा रही हो? माफ करना, हम अलग हो रहे हैं, मेरे लिए दोस्त पहले हैं। बहुत हो गया, मैं घर जा रही हूँ। केसी, यूनिकॉर्न को दीवार के ऑपोजिट फेंक कर पोर्टल खोलो। लड़कियों, टीना, मुझे माफ करना, मैं टेलर के साथ नहीं हूँ। मुझे उस बेवफा की अब कोई परवाह नहीं है। मैं नहीं जानती थी, मैं कभी दोस्त के साथ ऐसा नहीं करूँगी। हाँ सही, टाइलर ही बेवकूफ है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। क्या अब हम घर जा सकते हैं? टीना, क्या तुम हमारे साथ पोनी की दुनिया में आ रही हो? डार्लिंग, मैंने सुना है लड़कियाँ अपनी दुनिया में लौट रही है, क्या तुम उनसे जुड़ना चाहती हो? माँ, मैं वहाँ अच्छे से रहूँगी, मैं अब पोनी बन गई हूँ। चिंता मत करो, हम उसका ख्याल रखेंगे। ठीक है डियर, तुम जा सकती हो, लेकिन वादा करो तुम मुझसे मिलने आओगी। मैं आपसे जरूर आऊंगी मिलने माँ। अच्छा चलो फिर, जल्दी पोर्टल खोलो। ध्यान से, हर कोई एक एक करके पूरी वर्ल्ड में कदम रखता है। बाय डार्लिंग, तुम्हारी बहुत याद आएगी। सब्सक्राइबर्स, आपने इसकी उम्मीद नहीं की थी क्या कि मैं एपिसोड की बजाय सीधे व्लॉग में एंट्री मारूंगा? मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैंने सभी लड़कियों को किडनैप कर लिया है। से कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हर कोई खुश क्यों है, हमें किडनैप कर लिया गया है। मैंने इसे भी किडनैप कर लिया है। लानत है तुम पर, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम इतने दयालु लग रहे थे। मैंने अभी हाल ही में एक फार्म खोला है, उसमें मेरे पास काफी ज्यादा मुर्गियाँ भी हैं और उसके साथ बेशक है। हे भगवान। और उसके साथ ना मेरे पास एक सेब का बगीचा भी है। हमारे लिए क्या? मैंने वहाँ पर एक यार्ड भी बनाया है खास कर तुम्हारे लिए। थैंक यू। तुम अब से उसी में रहोगी। और अगर कुछ खाना बच जाता है तो मैं तुम्हें खिला दिया करूँगा। हमें किडनैप कर लिया और वो ये नहीं जानता कि हमारे साथ क्या करना है। मेनली जैक की गलती है, अभी हम आपके साथ हैं। आप हमें बताओ कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना? आपको कौन सी पोनी सबसे ज्यादा पसंद आई? मुझे वैसे पोनी पसंद है, पोनी टेल। जाहिर है, उन्होंने एपिसोड नहीं देखा। हाँ। बहुत भयानक। हाँ, बहुत ही भयानक। वैसे जब तुम एक छोटी बच्ची थी तो तुमने ये कार्टून देखा था? मुझे लगता है सिर्फ केसी नहीं उसे नहीं देखा। मैंने इसे नहीं देखा। मुझे मैं पसंद आई। क्या? लेकिन तुम? मैं स्पार्कल थी। अच्छा, तो तुम स्पार्कल हो, और तुम क्या हो? मैं पिंकी तो पाई थी, मुझे एप्पल जैक पसंद आया। मुझे एप्पल जैक भी पसंद आया। फ्लटरशाय। अच्छा फ्लटरशाय, और तुम हो रेनबो डैश। मुझे रेनिटी पसंद आई, क्या वो याद है तुम्हें? रेनिटी जो ऐसे मटक रही थी। अच्छा तो क्या वो तुम? मैं नहीं थी वो। क्या कहा? वो बहुत सुंदर थी।
हाँ, वो बहुत अच्छी थी सच जब मैं छोटा बच्चा था ना तो मैंने भी इसे देखा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि दो कैरेक्टर्स में से किसको चुनू कि कौन सा बेहतर हो सकता है। मुझे तो उस वक्त सब कुछ एक जैसा ही लगता था। मदद करो जैक, कमेंट में लिखना कि एप्पल जैक अच्छा था या रेनबो डैश अच्छा था। माफ कर देना, लेकिन इसका नाम क्या था? हाँ, क्या था? पोनी नाम था इनका। मुझे लगता है कि मुझे तुम सभी को जाने देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास चारा नहीं है घोड़ियों के लिए। तुम्हें रख सकता हूँ, बनाने के काम आ सकते हो। मजाक कर रहा था, तुम सभी यहाँ फोन पर रह सकते हो मेरे। तो अब टाइम आ चुका है दोस्तों, जानते हैं किसका? ये कितनी सुंदर है। जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, बिल्कुल टाइम पर। वो सुबह मैं आखिर घर मेरी जाने पर मुझसे मिलने आ गई। चुम्मी दे दे, आगे चल। अरे क्या है यार, वो तो जी है। चुम्मी ढंग से नहीं हो पाई एक बार और। हाय्या एप्पल। दोबारा कोशिश करते हैं। दोबारा कोशिश करो।